Assalamualaikum everyone, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगी। आज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं टेक फील्ड्स के मुतालिक, यानी कि कुछ गलतियां होती हैं जो कि इंसान कर देते हैं, और कई दफा ये गलतियां जब कंपनीज करती हैं तो तब तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला इंटरफेस करने को हो जाता है। फ्रेंड आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बड़े टेक फेल्स के मुतालिक जो कि 2018 में हो चुके हैं, क्योंकि अब जैसे कि 2019 लग चुका है तो यहाँ पर 2018 में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े जो कंपनीज ने गलतियाँ की उसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की। फ्रेंड जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की भी 2018 काफी मुश्किल, यानी कि थोड़ा सा काफी मुश्किल गुजरा। तो फ्रेंड इन्होंने एक अपडेट दी, इन्होंने अक्टूबर के अंदर एक अपडेट दी। तो आप क्या सोचते हैं, जब अपडेट आती है तो आपका सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बेहतर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। अक्टूबर के इन्होंने अंदर एक अपडेट दी और उसका नतीजा क्या निकला, जो भी सिस्टम्स के अंदर फाइल पड़ी थी उनके वो डिलीट होना शुरू हो गई। उस अपडेट ने ऑटोमेटिकली उन फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड क्या हुआ कि कई दफ़ा तो ये खबर सुनने को आई कि एक बंदे की 256 GB हार्ड ड्राइव वो टोटली खाली हो गई थी। तो फ्रेंड ये हमें कुछ देखने को मिला, और फिर क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट वापस ले लिया। कहा कि नहीं भाई, आप इसे अपडेट ना करें, आप गलती हो गई हमसे। उन्होंने फिर नवंबर में एक और अपडेट दिया और उस अपडेट में भी कुछ खासा फायदा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने दिसंबर में एक अपडेट दिया और उसके जरिए से उस प्रॉब्लम को फिक्स किया, जो भी इतने सारे लोगों के साथ वो प्रॉब्लम आई और उन्होंने डाटा डिलीट हो गया। और फ्रेंड ये काफ़ी एक बड़ा टेक फेल है जिसे मैं नंबर वन पर रखा है, जो या फिर जो कह सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ हुआ। लेकिन ठीक है यार, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो डेफिनेटली फिर उन्होंने बाद में से सुधार भी दिया। दूसरे मैं टेक फेल की बात करता हूं, जो कि मुझे किसी हद तक काफी बड़ा टेक फेल लगा है। मैं बात कर रहा हूं YouTube रिवाइंड, यानी कि YouTube हर साल के एंड में एक वीडियो अपलोड करता है कि इस साल पूरा साल में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह, कोई कौन ट्रेंडिंग पे रहा वगैरह, वो सबको इकट्ठा कर देता है तमाम के तमाम क्रिएटर्स को। और क्या हुआ कि इस साल जब 2018 के अंदर इन्होंने YouTube रिवाइंड को अपलोड किया तो क्या हुआ फ्रेंड, इतने ज्यादा डिसलाइक्स के दुनिया की सबसे नंबर वन वीडियो बन गई YouTube रिवाइंड की, जिस पर दुनिया से सबसे ज्यादा डिसलाइक आ गए। और फ्रेंड अब जब इस वक्त मैंने देखे हैं 14 मिलियन डिसलाइक्स उस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं, और लाइक्स कितने होंगे 2.1 मिलियन। यार इतने ज्यादा डिसलाइक, ये दुनिया की सबसे नंबर वन वीडियो है जिसके ऊपर इतने ज्यादा डिसलाइक्स आए हुए हैं। और फ्रेंड ये मैं भी एक टेक फेल ही कहूंगा कि पता नहीं YouTube ने उसके अंदर क्या घुसेड़ दिया है जिसकी वजह से YouTube को इतने ज्यादा उस वीडियो पर डिसलाइक मिले हैं। हालांकि YouTube ने खुद ही अपलोड किया, उसे इतने ज्यादा ही डिसलाइक मिल गए हैं। हालांकि इसकी मुझे बड़ी रीजन मुझे ये लगती है कि अगर आप जानते हैं वो PewDiePie वर्सेस टी सीरीज का पीछे टाइम में कोई ड्रामा चला हुआ था, तो इस दफा भी इन्होंने क्या किया कि PewDiePie दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, दुनिया का YouTube का सबसे बड़ा चैनल है, तो उन्होंने उसको ऐड नहीं किया उस YouTube रिवॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर वो बंदा नहीं था, तो शायद इसी वजह से उसके जो फैंस थे उन्होंने डिसलाइक किया उस वीडियो को और उसे दुनिया की नंबर वन डिसलाइक वीडियो बना दिया। और फ्रेंड अब मैं बात करता हूँ तीसरे टेक फेल की, जो कि है गूगल की तरफ से। फ्रेंड अगर आप यूज करते हैं गूगल प्लस, यानी कि वो गूगल प्लस एक ऐसी वेबसाइट है जो कि गूगल ने बनाई थी फेसबुक को टक्कर देने के लिए, तो पता नहीं क्या उसे समझ नहीं आती कि वहाँ पर पोस्ट कैसे कर, यानी कि लाइक कैसे करते हैं, डिसलाइक कैसे, पोस्ट कैसे करते हैं, तो पता नहीं कैसे करते हैं। तो फ्रेंड ये गूगल अब बंद करने वाला है आपके लिए। गूगल ने ऑफिशियली बता दिया है कि इसे अब जल्दी बंद कर दिया जाएगा, जब बंद हो भी चुकी है तो आपका अगर गूगल प्लस अब जल्दी बंद होने वाली है। ये इसे मैं टेक फेल ही कहूँगा, जो कि गूगल का नाकाम हो गया है प्रोजेक्ट। और फ्रेंड मैं तीसरी टेक फेल की बात करता हूँ, जो कि है फेसबुक के मुतालिक। और डेफिनेटली आप इससे वाकिफ होंगे और जानते होंगे कि फेसबुक पर 2018 अजाब की तरह गुजरा है। फेसबुक पर अजाब आया हुआ था 2018 के अंदर, फेसबुक को इतने जवाब देने पड़े हैं इसके मुतालिक के बस बात ही खत्म, और फेसबुक एकदम ऊपर से डाउन में चली गई 2018 के अंदर। फेसबुक ने काफ़ी खसारा भी लिया है, काफ़ी सारी कंपनीज ने फेसबुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, क्योंकि फेसबुक डाटा बेचती है, यानी कि दूसरी कंपनीज को, दूसरे लोगों को। इन्होंने इलेक्शन के दौरान भी डाटा भेजा वहाँ पर और देखा कि लोगों क्या रुझान है, क्या कर रहे हैं ये वो फ्लाफ ना, और उनका डाटा उठाया और बेचा। और फ्रेंड इसके बदले में फेसबुक वाले भाई साहब मालिक मार्क ज़करबर्ग साहब को काफ़ी ज़्यादा जवाब देना पड़ा हुकूमत को भी, और काफ़ी ज़्यादा उसने खसारा भी पाया इसकी वजह से। और फ्रेंड उसके बाद फिर क्या हुआ, और लॉस आ पड़ा फेसबुक को,
फ्रेंड मिलियंस ऑफ पीपल्स की अकाउंट हैक हो गए, लॉगिन अकाउंट उठा के ले गए हैकर्स। यहाँ पर भी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खसारा हुआ फेसबुक को और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा फेसबुक को। तो फ्रेंड ये साल मैं ऐसे ही कहूँगा कि फेसबुक पर तो अजाब ही गुजरा है। और फ्रेंड अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं आज के दौर में भी डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन कितना ट्रस्ट करते हैं उस पर? मैं तो डेफिनेटली फेसबुक पर ज़्यादा यकीन रहा नहीं। और उसके बाद फ्रेंड एक और भी आपको सजेशन देता चलूँ कि अपने यानी कि क्या करें कि जो भी पर्सनल डिटेल हैं, जो भी पर्सनल आपके हैं, आप उन्हें ना डालें, यानी कि फेसबुक पर ना बताएं कि मैं कौन से कॉलेज का हूँ, कौन से ये वो फलां फलां, आप कहाँ के पढ़े हुए हैं और रहते कहाँ, ये वो। कभी भी ऐसी चीज़ें शेयर ना किया करें फेसबुक के ऊपर, खास तौर पर पर्सनल डिटेल तो कभी भी शेयर ना किया करें, वरना मालूम नहीं कि कब आपका डाटा चोरी हो जाए। और फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आए जरूर से लाइक करें, 200 साल आप भी शेयर करें ताकि उन्हें मालूम हो सके कि 2018 कैसा गुजरा है टेक्नोलॉजी के दौर में। और फ्रेंड डेफिनेटली अब आपको वीडियो तो पसंद आ ही गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, वीडियो बिल्कुल नीचे रेड कलर का बटन आ होगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ बेल भी आ रही दबा देगा, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको उस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।